पड़े हैं बाघा बॉर्डर की तरफ। ओ यार थक गया, बहुत ज्यादा क्राउडेड था, लेकिन यार सतपीर औरों के साथ, जेरी औरों के साथ मजा आया। आई जस्ट मेट देम ओवर हियर एंड आई रियली एंजॉयड यू नो उनके साथ घूमना और वो टाइम स्पेंड, मजा आया। अगली बार जरूर सतपीर और जेरी औरों के साथ कोलैबोरेट करके अमृतसर वापस घूमूंगा मैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगह है जो मैं नहीं घूमा हूँ और मेरा बहुत मन है घूमने का। और स्पेशली जो फूड प्लेसेस हैं वो मैंने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं करे हैं यार। मतलब मैं आया किस लिए था, और मतलब दो दिन बहुत कम लग रहे हैं अभी भी। अभी मैं बाघा बॉर्डर पहुंच गया और ये फ्लैग बनवा लिया मैंने अपने चेहरे पे, अच्छे लग रहे हैं वैसे तो, अभी दिख रहे होंगे। अभी रिक्शा वाले भैया को पता है, रिक्शा वाले भैया छोड़ने जाएंगे। भैया क्या बात, बड़ी स्पीड से चला रहे हो, हैं फुल है, जल्दी जाओगे? अच्छा जल्दी जाएंगे, सीट मिलेगी आगे? सीट लेनी है यार, वहाँ पता नहीं क्या प्रोग्राम है, सीट का कैसे है, कैसे प्रोग्राम है वहाँ पे सीट का, मतलब रेट होता है? परेड होता है? अरे परेड तो मुझे भी पता है, वहाँ बैठने की जगह के लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा बहुत जगह है भैया, क्या है बहुत जगह है मेरे हेयर सेल पर। मम्मी पापा अलग हो चुके हैं बाइक में इतनी दूर आके, बट अच्छा है भैया लेके तो आए हैं कम से कम बाइक वाले। बैग वैग अलाउड नहीं है तो मैंने बैग, भैया आए थे तो भैया को साथ ही में दे दिया, नहीं तो वहाँ पे साइड में लॉकर भी लगे हुए हैं, तो अगर आप कभी आओ तो बैग साइड में लॉकर वालों को दे सकते हो। और वहाँ पे पैसे लेते हैं बस, और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, सीधा जाना है अंदर। सीधा जाना है? हाँ भैया। कितने? अच्छा पैसे दे दो भैया को, एक बार खुले हैं 50 का। चलो भाई चले, भीड़ इकट्ठी होगी, बहुत भीड़ है बहुत। बड़े मुझे अपने चेहरे पे ऐसी अभी की ब्लैक जो बनाया है कि मस्त बना रखे हैं। ब्लॉग बना हो गया? आयो पहली बार? आयो मैं दूसरी बार बना। दूसरी बार है, कैसा रहा एक्सपीरियंस पहली बार का? हाँ चलो, मजा आता है? बहुत ज्यादा मजा आता है। सीट वीट्स का कैसे है इधर, कुछ है मतलब? यहाँ फ्री है? सीट फ्री है भैया। अच्छा बैठने का सीधा बढ़िया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। लोग बढ़िया देखते हैं यार, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा अच्छा, मेरा फर्स्ट, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये, लेट्स सी कैसा होता है। मुझे सबने बोला है कि बाघा बॉर्डर तो जा, बाघा बॉर्डर का प्लान एक्चुअली कैंसिल कर दिया था मैंने पहले। अच्छा तो फिर अभी बाघा बॉर्डर मैं जा, अब मैं भैया ने बोला कि चले जा वहाँ पे, हैं दो तीन बंदे मिले बाघा बॉर्डर चला जा, तो इसलिए फिर मैं अब फाइनली मैं आ ही गया हूँ इधर। तो बाकी क्योंकि जा रहे हैं, सीट्स नहीं मिलेंगी क्या वहाँ पे? सीट अवेलेबल है तो ये ज्यादा जल्दी में लोग हैं वो यहाँ पे जितनी जल्दी आओगे उतना आपको आगे बैठने मिलेगा। अच्छा ऐसे है, लेट करो पीछे बैठो। अच्छा लेट जाओगे तो। आप कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से? अरे भाई बहुत दूर से आए हो आप यार। भाई छत्तीसगढ़ लेकिन अच्छी जगह है जी, जी खाने पीने के मामले में। नेट धीरे चला, पकड़ना यार एक बार। इधर सही आ रहा है, इधर में बहुत अंधेरा अंधेरा सा नहीं लग रहा है ना? वीआईपी वाली लाइन में खड़ा कर दिया था हमने, तो अभी हम दूसरी लाइन में जा रहे हैं। कैसे भाग रहे हैं यार लोग, मतलब जगह नहीं मिलेगी लग रहा है इनको।
पूरा चेक कर लिया, पता नहीं कहाँ का है। मेरे को आज तक ये नहीं समझ आया इंडिया में लोगों को चेकिंग करनी नहीं आती है, पता नहीं मशीन लेके बस अपना लग जाते हैं, अपना पूरा मतलब बॉडी से टच करके क्यों चेक करते हैं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई आज तक। बट इनको सिखाना चाहिए ना कि कैसे टच, कैसे चेकिंग करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। मेट्रो में भी चले जाओ, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जब हाथ लगा के चेक करना है तो क्या ज़रूरत है मशीन की। यार
है।